नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आपको बताऊंगा रातों में कुत्ते रोते क्यों है, जिनकी आवाज सुनकर हमारे भी जिस्म में एक कपकपी सी छूट जाती है कि कुत्ते रो क्यों रहे, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं। हमेशा से ही यह मानना रहा है कि कुत्तों का रोना पनौती होता है, अपशगुन होता है। यह हमारे जहन में हमेशा दौड़ती रहती है बात कि आखिर कुत्ते रात में रोते क्यों हैं, क्या वजह है इनकी रोने की। हम हमेशा से ही सुनते चले आ रहे हैं अपने पूर्वजों की बात कि कुत्ते का रोना अशुभ होता है, वो रोया तो आत्माएं दिखती है, भूत प्रेत दिखते हैं उनको। ये बात तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं तो हमें समझना चाहिए कि इनका संकेत हमें क्या कह रहा है। अगर ये रोते हैं तो इसका मतलब कोई मरने वाला है, ऐसा कहा जाता है। कुत्तों का रोना कि कोई आत्माएं या कोई भूत प्रेत भटक रहे हैं, तो हमारे आसपास कोई आत्मा भटक रही है तो कुत्तों को इसका आभास हो जाता है, कुत्तों को दिखाई देता है, क्योंकि इनमें त्रियामी शक्ति होती है, घोड़े में, अजगर में और बिल्ली में, और कुत्तों में खासकर त्रियामी शक्ति पाई जाती है। काफी लोग तो इसको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये कई संकेत है जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने बताया, आज भी काफी लोग इस पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे रहस्य जो इनके अलावा क्या है जो कुत्ते रात में रोते क्यों है। पहले तो हमें जानना होगा कि कुत्ते रात में रोते क्यों है। ये रोते नहीं है, ये हौल करते हैं। हौल हौल मतलब कुत्ते हौल करते हैं तो एक दूसरे कुत्ते तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। मतलब जब अपना संदेश किसी और को पहुंचाने की कोशिश करते हैं तब वो हौल करते हैं। हमारे समुदाय में उसे रोना या अपशगुन माना जाता है। कुत्ते अपनी जगह की लोकेशन या अपना स्थान कहां पर है दूसरे कुत्ते को बताने के लिए हाउल करते हैं, आवाजें निकालते हैं, जो एक दूसरे कुत्ते दूसरे की भाषा समझता है। और जब सामने वाला कुत्ता अपने कुत्ते की स्थान को पहचान लेता, लोकेशन पहचान लेता, तो वो वहां से हाउल करेगा कि हाँ मैं जान गया तुम कहां पर हो। अगर कुत्ते किसी दर्द में है, तकलीफ में, या चोट लग गई है या जख्म हो चुका है, तो उस वक्त भी वो हाउल करते हैं, अपना तकलीफ अपना दर्द सामने वालों को बयान करने की कोशिश करते हैं। जी हां, जब कुत्ता अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है, जैसे कुत्तों को अकेले रहने की आदत सी पड़ जाती है, गुमसुम, उदास या बीमार लगे कि कुछ खाना पीना उनको पसंद नहीं है, तब वो अकेलेपन के कारण भी वो हौल करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। ये भी एक मतलब हो सकता है। कुत्तों को तेज आवाजें पसंद नहीं होती है, क्योंकि वो हल्की से हल्की आवाज जो हम ह्यूमंस हम भी नहीं सुन पाते, वो उसे भी वो सुन लेते हैं। बिल्कुल हल्के से हल्की आवाज उनके कानों तक जाती है, इसलिए वो तेज आवाज से दूर भागते हैं, डरते हैं। उसे तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस तेज आवाज के कारण उनको बहुत दिक्कतें होती है, उनका मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है और जब भी जाकर वो चिल्लाकर हाउल करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं कुत्तों के बारे में कि उनको आत्माएं दिखती है। जी हाँ, उनको आत्माएं भी दिखती है, भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं, आने वाला बुरा संकेत भी वो लोग देखकर समझ जाते हैं कि कोई बुरा संकेत आ रहा है या किसी का सर्वनाश होने वाला है। कुत्ते हमारी बला भी अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर मुसीबतें जो आती है वो भी अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे हमारे ऊपर कोई बला है, किसी का जादू टोना किया हुआ, अक्सर आपने देखा होगा कि आपका प्यार से पाला हुआ कुत्ता भी मर जाता है, यानी उसने अपने मालिक को बचाने के लिए बुरी शक्ति, बुरी आत्मा जो उस पर प्रभाव डाल रही थी, उसने वो अपने ऊपर ले लिया। कुत्ते सबसे ज्यादा वफादार होते हैं और वो हमेशा अपने मालिक या मालकिन का साथ जरूर देते हैं। कोई जादू टोना हो, आसेब हो, किया कराया हो
या दूर से आने वाली कोई मुसीबत, वो उसको देखकर भांप लेते हैं, समझ जाते हैं कि कोई बला और परेशानी सामने से आ रही है। जी हां, आज की दुनिया में हम तो नहीं जान पाते कि भाई कोई चीज आ रही है, कोई बला है, कोई लगी है, कोई पैरों के नीचे पड़ा हुआ आ गया, लांग दिया, उतारा कर दिया, लेकिन इनको सब समझ में आता है और ये हमेशा अपने ऊपर ही बला ले लेते हैं। इसलिए इनका रोना भी अपशगुन माना गया है, इनका हाउल करना भी अपशगुन माना गया है, और ज्यादातर रात में, यानी किसी मृत्यु का संकेत ये बताते हैं। ऐसे ही कुछ राज मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा और मैं इसको आप लोगों के सामने उजागर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का मतलब होता है हमारे साथ जुड़ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कई वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।